पिछली बार हम लोगों ने जो यू नो डंकी की किसी भी कंटेंट के ऊपर रिएक्शन दिया होगा, दैट वाज ड्रॉप 1 और बाकी तो गाने थे। आप सभी को पता है कि ड्रॉप 2 और ड्रॉप 3 वे सॉन्ग्स फ्रॉम डंकी, तो जानबूझ के हम लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। वी वांटेड टू रिएक्ट डायरेक्टली ऑन द ड्रॉप 4 ट्रेलर। ट्रेलर। तो फाइनली द डंकी ड्रॉप 4 इज हियर और एक्साइटमेंट तो है, लेकिन काफी ज्यादा मैं यहाँ वहां की खबरें सुन रहा हूँ, पता नहीं अजीब सा एक नेगेटिव वाइब आ रहा है। होप सो कि दूसरों का यू नो डिसीजन मेरे दिमाग में ना थोपा जाए, मैं ऑटोमेटिकली ना ले लूं, क्लियर मैं माइंडेड हम देखूं। रहे और बिल्कुल अपना जरा एक हमारा एक ऑब्जर्वेशन भी देख लेते हैं कि क्या है, लोग इतने सारी बातें कर रहे हैं, एक नया चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं शाहरुख खान अपने कोरियोग्राफ में अपार्ट फ्रॉम यू नो जवान एंड पठान। तो देख लेते हैं कि डंकी कैसी बनी है और इसका क्या यू नो क्या असर आता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर। फॉर बट डंकी गाइस आप हमारे चैनल पे जरूर आए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल पे जाके ऑल भी सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके फॉर द चैनल कॉल्ड द रिएक्शनिस्ट। यस सो लेट्स गो। ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लालटो में कदम रखा। यहां मिले चार उल्लू के पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे। बल्ली बाल काटता था। बाल छोटे करने जी। ये सुनील कुमार के भाई है। 100% मुझे वही लग रहा है। भगू पिजामिया बेचता था। मुझे इतने बड़े बड़े साइज क्यों दिखाना है? मैं स्मॉल साइज डालती हूँ। जी आंटी जी, आपने पजामी टांगों में चढ़ानी है, छोटी उंगली में चढ़ानी है। और सुखी अंग्रेजी बोलता रहता था। आई अंडरस्टैंड नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन कोलन सेमी कोलन कॉमा से फुल स्टॉप। और उनके साथ मेरी मन्नू दुनिया से लड़ जाती है। मेरे लिए नमूना नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती। कुछ नहीं घुमाती है कोच जी को, वहाँ गलती नहीं करते। आज तक लाइफ में मेरे लिए कोई लड़ा नहीं है पहले सर जी। तो जी मेरे लिए तो हो गई है मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। मैं तो चिटपक लुटपुट गया, लुटपुट गया, मैं तो गया, मैं तो लुटपुट लुटपुट। मैं आपको लंदन पहुंचा सकता हूँ। I want to go to lavatory. I want to go to lavatory. I don't want to go to lavatory. I to ji done lavatory. So if you've no vocabulary, how do you propose to stay abroad? ये एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है मिशा पंजाबी का। 100 साल राज करके गए अंग्रेज हम, जब यू यहाँ आए थे कुछ हो गया क्या? उन्हें तो नहीं इनसे पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या? जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले? चल बे बदना। समथिंग वेंट रॉन्ग विद विकी कौशल। विकी कौशल से लगा है वो या मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश अपना परिवार अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने? ये कहानी मैंने शुरू की थी, क्या चल रहा है तो खत्म भी मैं ही करूंगा। 25 साल बाद मैं हूँ हरदयाल सिंह ढिल्लों हड्डी। अरे यार दीदी जो के गाने में तरह तरह ये जैसी राइट क्या चल रहा है इस फिल्म में यार? गाइस वो लास्ट में जो हमने जो जर्सी देखी वो मतलब right. हमें यू रिमेम्बर राइट या आई रिमेम्बर डीडीएचएल में जो किड्स जो यहाँ पे इमेज दे दे रहे हम लोग पता चल जाएगा। वो दिस इज व्हाट वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट, एक नॉस्टैल्जिया जो ये मुझे लगता है कि जानबूझ के दिया गया है, दिया गया है, वी आर श्योर अबाउट इट। या एंड फैन उन्हें पता है कि फैन डेफिनेटली उन्हें लव दैट कमबैक और यू नो दैट रिविजिट। अगर इस ट्रेलर के बारे में पूरी तरीके से बात करें तो हमें जरूर लग रहा है कि विकी कौशल के साथ कुछ हुआ होगा, मे बी दैट इंसल्ट व्हिच वाज गिवन टू हिम उसके ऊपर उन्होंने कोई रिटेलिएशन में कुछ गलत स्टेप ले लिया होगा। मुझे लगता है कि कुछ कर देते हैं लगता है। एंटिसिपेशन हम लोग यहाँ पे कोई गलत या सही नहीं रखना चाहते, कुछ से कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहते हैं। जो थोड़ा सा बहुत लग रहा है हमें एक वाइब आ रही थी तो वही हमने आपको बताया।
अगर ट्रेलर के बारे में बात ये करें कि ट्रेलर में बहुत सारी चीजें हैं जो काफी सारी फिल्मों से अलग है, और एक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि व्हेन डंकी विल रिलीज, डंकी विल बी ब्रिंगिंग यू नो स्वीट चेंज इन सिनेमा, क्योंकि हाल फिलहाल बहुत सारी एक्शन फिल्में आई हैं, बहुत सारे गॉर, बहुत वॉयलेंस हम लोगों ने देख लिया है, एंड लोगों का माइंडसेट भी ऐसा हो गया है ऑडियंस का कि अभी आप रिसेंटली आप देखें कि एनिमल रिलीज हुई है, उसी एक ही दिन में साम बहादुर भी रिलीज हुई है, पर एनिमल का ग्रॉस कलेक्शन देखिए और साम बहादुर का देखिए, दोनों ही अच्छी फिल्में, मैं ये नहीं कहूंगा, हाँ, पर यहाँ पे नहीं है कि किसी ने कहा है कि साम बहादुर बुरी बनी है इसके या फिर एनिमल बहुत बढ़िया है, पर यहाँ पे चॉइसेस अगर आप देखें तो आप लोगों को मतलब अभी एक्शन वायलेंस और ये सब ज्यादा पसंद आ रही है, मैं ये नहीं कहता कि ये ऊपर से ये बॉलीवुड के साथ ये हमेशा हुआ है, ये चीजें बॉलीवुड के साथ और बॉलीवुड के ऑडियंस के साथ हमेशा हुई है, जब किसी को अच्छा लगा है कॉमेडी तो लगातार कॉमेडी दे रहे हैं और ये ऑडियंस के ऊपर है, जैसे मैंने पहले बार भी कहा था, सत्यजीत राय ने ये कहा था, मैं ये तीसरी या चौथी बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि द मोस्ट वी हैव द मोस्ट फूलिश ऑडियंस इन आर कंट्री, यस, जो फिल्म मेकर को धोखा दे सकते हैं, यस, कंटेंट को धोखा दे सकते हैं जस्ट बिकॉज उनका चॉइस कुछ और होता है। अभी आप देखिए कि दो सालों में, इससे पहले दो साल, एक दो साल पहले बायोग्राफिकल फिल्म का एक जमाना चलन था right. जब हर कोई बायोपिक कर रहा था, अब बायोपिक कोई भी नहीं कर रहा, अभी डायरेक्टली सब यहाँ पे यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन यूनिवर्स, कॉमेडी यूनिवर्स, कॉमेडी, अभी कॉमेडी भी उतनी नहीं चल रही है, जैसे ये जो जॉनरा है ये सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये फैमिली ड्रामा भी है, इसमें ड्रामा भी बहुत सारा है, yes. और यू नो अ प्रॉपर राजकुमार हिरानी फिल्म जहाँ पे आपको कॉमेडी भी मिलेगा, इमोशंस ढेर सारे मिलेंगे, आपको अच्छे गाने भी मिलेंगे, अच्छी एक्टिंग मिलेगी, और एक हमेशा एक मेगा स्टार का अवेलेबिलिटी, एक मेगा स्टार की अवेलेबिलिटी रहती है राजकुमार हिरानी के फिल्म, yes. जैसे कि राजकुमार हिरानी, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित है ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी के फिल्मोग्राफी से, उन्हें कहा भी है और उनके फिल्म्स को देख के लगता भी है गाइस, क्योंकि जो लोगों का जो इमोशंस रहता है, ह्यूमन नेचर होता है और सोसाइटी की एक मतलब एक छाप रहती है उनके फिल्म में कि सोसाइटी किस तरह से दुनिया को देखती है, या फिर एक इंडिविजुअल पूरी सोसाइटी को किस तरह से चेंज कर सकता है, या फिर उसका क्या पर्सपेक्टिव होता है सोसाइटी को लेके, उसी के इर्द गिर्द उनकी फिल्म रहती है। अगर आप मुन्ना भाई एमबीबीएस का मुन्ना भाई का कैरेक्टर ले लीजिए, या फिर थ्री इडियट्स में रैंचो का कैरेक्टर ले लीजिए, या फिर पीके में पीके का जो कैरेक्टर है उसका ले लीजिए, ऑडियंस किस तरह से अटैच कर पाती है स्टोरी के साथ। और यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि डंकी में शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है, वो उनका जो जर्नी है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1995 से लेके 2023 तक दिखाया जाएगा, बहुत बहुत सारे काफी सारे यू नो टाइमलाइंस है, और अल्टीमेटली शाहरुख खान कहाँ जाके पहुंचते हैं अपने दोस्तों के साथ, या ये कहानी कहाँ जाके खत्म होती है, और ऐसा क्यों होता है कि जब एक नरेशन पे बैठे हैं शाहरुख खान और अपनी कहानी बता रहे हैं ऑडियंस को, ऐसा क्या होता है, मुझे वी हैव टू फाइंड इट आउट। मुझे लगा गाइस ट्रेलर देखे, मैं ये ब्रेक डाउन करना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान विकी कौशल को कुछ हो जाने के बाद, यहाँ पे क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि विकी कौशल इन अ स्पेशल अपीयरेंस, राइट, तो और वैसे भी ट्रेलर पे ये ऐसा लगा कि शायद उनके साथ कुछ हो जाएगा जिसमें वो और आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स इस फिल्म में वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, या और मुझे लगता है कि यही एक पॉइंट रहेगा जो यहाँ पे इमोशनल ब्रेकडाउन रहेगा जो पूरी टीम को लेके, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे कनाडा जाना चाहते हैं, लंदन जाना चाहते हैं, वो अब शाहरुख खान के साथ इलीगली यहाँ पे इमिग्रेंट करते हुए जाएंगे, और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि शाहरुख खान वहां पे कुछ साल रहे भी हो, क्योंकि वहां पे हम देख सकते हैं कि उन्हें वहां पे विदेश में लोग अरेस्ट कर रहे हैं, right. और एक वेडिंग सेरेमनी है वहां पे भी, कुछ मतलब कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, तो यहाँ पे लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, फाइनली मुझे लगता है कि वो पंजाब वापस आ जाते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे वही है कि द कॉम्बिनेशन, दिस इज द फर्स्ट टाइम कॉम्बिनेशन फॉर राजकुमार हिरानी एंड शाहरुख खान। राजकुमार हिरानी बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं विद संजय दत्त एंड आमिर खान विद देयर कॉम्बिनेशंस, ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत पहली बार वो लोग कर रहे हैं और बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, जहां शाहरुख खान ने ऑलरेडी इस साल में दो मेगा हिट दिए हैं, 2000 करोड़ फिल्म कर चुकी है, यस एग्जैक्टली, एंड ही इज गोइंग टू गेट अ हैट्रिक अगर सब कुछ बढ़िया गया और इनके फैंस का सपोर्ट रहा, तो ये फिल्म भी हिट हो जाएगी, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ कि
यू नो जवान पठान दो डिफरेंट जॉनर थी एंड दोनों ही एक्शन से बिलोंग करती है. यहाँ पे एक्शन है लेकिन बहुत कम, यहाँ पे ड्रामा है, सस्पेंस है, इमोशंस है, सब कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हैवी है. और तो यहाँ पे थोड़ा सा कम, यहाँ पे बोल्ड अटेम्प्ट मैं कहूंगा शाहरुख खान की तरफ से और रेचलिस की तरफ से एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि अगर वो चाहते तो उनके उनके दोनों फिल्म ने इतने बस क्रिएट कर लिए हैं गाइस, वो चाहते तो इस फिल्म को वो पोस्टपोन कर सकते थे राइट 2024 के लिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने शायद सोचा कि यार द वाइब इज स्टिल देयर, यू नो वो अभी भी बहुत ज्यादा खबरों में है, सुर्खियों में है, वाइब की भी जरूरत, मुझे लगता है कि वाइब की भी जरूरत नहीं है. अगर आपको अपने फिल्म में भरोसा है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे फिल्म में सब कुछ सही है, तो आप किसी भी डेट में अपने फिल्म को रिलीज कर सकते हैं राइट right. और यही उन्होंने किया. और यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इस फिल्म के साथ बहुत बड़ी एक फिल्म प्रभास की फिल्म सालार भी रिलीज होने वाली right. है. ये लगभग आसपास कहीं किसी को डुबा ना दे yeah. क्योंकि ये हमेशा हुआ है. आज भी हम लोग जैसे थोड़ी देर पहले क्लैश मुझे पसंद नहीं आते, सैम बहादुर और एनिमल के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्लैश, उस क्लैश की वजह से किसी एक फिल्म को सफर करना पड़ा है फाइनेंशियली. तो वी सी दैट दैट इज सैम बहादुर. और मुझे लगता है कि मुझे हर वक्त मैं एज अ ऑडियंस मुझे क्लैश कभी पसंद नहीं आता, क्योंकि क्लैश से ही गाइस आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि कौन सी फिल्म अच्छी बनी है या बुरी बनी है right. और अगर कोई फिल्म अच्छी भी नहीं है तो उसे कुछ कुछ चीजों के वजह से ही लोग, एलिमेंट के वजह से लोग देखने चले जाते हैं और जो फिल्म अच्छी बनी है उसे नहीं देखते और बाद में अफसोस करते हैं कि मैंने उसे थिएटर में क्यों नहीं देखा. वैसे भी लेकिन ऐसा यू नो पॉसिबल नहीं होता ना कि आप सारे फिल्में दूसरे डेट्स पे रिलीज कर पाओ, वो अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है. बहुत सारी फिल्म आजकल बहुत सारी फिल्म रिलीज हो रही है, बहुत सारी. अगर आप 2024 इस बार इस साल के अंत तक यू नो हमें काफी सारी हिट फिल्म्स मिली हैं और बॉलीवुड द बॉक्स ऑफिस इज वार्म अगेन, इट इज थम्पिंग एंड इट इज डूइंग रियली गुड. 2022 का जो ड्राई रन था गाइस बॉक्स ऑफिस पे खत्म हुआ, पूरी तरह से यहाँ पे समंदर आ चुका है कलेक्शन का. विद एनिमल एंडिंग द ईयर इन अ गुड वे और डंकी इज गोइंग टू गिव द फाइनल नेल इन द कॉफिन, तो देखते हैं कि फाइनल नेल इन द कॉफिन डंकी की तरफ से कैसा होता है. बट किसी और चीज को जानने के लिए, किसी कंटेंट के बारे में जानने के लिए रिलेटेड टू फिल्म्स एंड म्यूजिक एंड अदर आर्ट्स, आपको हमें हमारे चैनल पे जरूर वापस आना है. हमारे चैनल को आके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को जाके क्लिक करना है ऑल पे yes. हमारे व्हाट्सएप चैनल पे चेक करना है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे आपको जाना है. अगर yes. आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए हमारे बारे में तो आप जरूर एक काम कर सकते हैं ना, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए yes, yes. और व्हाट्सएप चैनल पे जाके आप अपडेट देते रहिए yes. एक मैसेज आता रहेगा कि हमने अपना कॉन्टेंट ड्रॉप कर दिया है. आप बिजी yes, रहेंगे आप फिर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी. टू स्टे कनेक्टेड विद अस यू शुड ट्राई दिस और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए. और एक काम गाइस आपको करना है, आपको 21 दिसंबर को डंकी जाके जरूर देखनी है. बिल्कुल आपकी नजदीकी थिएटरों में आने वाली और है, शाहरुख खान अपना हैट्रिक अटेम्प्ट करने वाला है, तो सपोर्ट हिम गाइस और हमें भी सपोर्ट करते रहिए गाइस. और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज जय हिंद.